पटना में रामकथा करने का नहीं मिला परमिशन तो नाराज हो गए राम भद्राचार्य। बोले कांति मेदार किसी की बाप का नहीं है। जब तक बिहार में नहीं खिलेगा कमल तब तक पटना में मैं नहीं करूंगा काम कथा का आयोजन। गांधी मैदान में राम कथा करने के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य को परमिशन नहीं मिला। इस बात से नाराज जगत गुरु ने यह प्रतिज्ञा ली है कि जब तक बिहार में कमल नहीं खिलेगा, बिहार में जब तक बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक वह पटना में राम कथा आयोजन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी मैदान किसी की बाप की नहीं है, यह भारत का है। नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि दम है कितना दमन में, मैं तेरा देख लूंगा और देखते मत रहना परमिशन, लेकिन इस घटिया राजनीति तो हमने कहीं नहीं देखी। उन्होंने कहा कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है लेकिन यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी और कमल बहुत ही जल्द खिलेगा। जब तक कमल खिलेगा तभी मैं पटना में गांधी मैदान में राम कथा करने आएंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने यह बात पश्चिम चंपारण के बघा गांव में कही थी। उन्होंने कहा है कि मेरी कथा एक साथ प्रस्तावित है, 2 दिसंबर से प्रस्तावित की आज पटना के कमिश्नर ने कहा दिया है। जगत गुरु को जो बोलना है वो बोले, मैं परमिशन नहीं देंगे। हम बोलने की मत दो परमिशन, यहाँ तुम्हारे बाप का नहीं है गांधी मैदान, या तो पूरे भारत का है। अभी तुम शासन में हो तो हम सम्मान कर रहे हैं, दे परमिशन। अब तुमको हटा कर ही हम गांधी मैदान में रामकथा करने आएंगे। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप तो गांधी मैदान में रामकथा करने तभी आऊँगा जब बिहार में कमल खिल जाएगा। एक और जाट के आधार पर तुम जातीय जनगणना करवा रहे हो और तुम यही रहते हो कि तुलसीदास जाति का अपमान किया है और तुम भी जात के आधार पर जाति गणना करवाते हो, यह दोनों बातें कैसे चलेगी? मैं तो खुलकर कह रहा हूँ कि मैं तो जो भी रामकृष्ण को मानता है वह मेरे लिए हिंदू पूज्य है। जगत गुरु राम भद्राचार्य बिहार के रामनगर में 9 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान बघा की रामनगर में 9 दिनों तक उनका रामकथा का वचन कार्यक्रम चल रहा है। इसी कथा भाषण क्रम में जगत गुरु यह टिप्पणी की है कि जिस पर राजनीतिक गलियारे में अब बवाल मचा हुआ है, अब रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किए जाने को लेकर उन्होंने शीघ्र दावा किया है। दरअसल जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सनातन धर्म और रामचरितमानस का मजाक उड़ाने को लेकर बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार पर उल्लेख और टिप्पणियां की है। रामकथा के 4th दिन पर उन्होंने बिहार सरकार द्वारा कराई गई जाति गणना पर उन्होंने पुनः टिप्पणियां की है। बिहार सरकार की शिक्षा मंत्री को जमकर कोसा।